भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन लगभग सेम थी, लेकिन आज इंडिया जहां डेवलपमेंट की नई नई मिसाल पेश कर रहा है, वहीं पाकिस्तान आज भी एक ऐसे लीडर को ढूंढ रहा है जो पीएम की कुर्सी पर पूरे 5 साल तक बैठ सके। जी हाँ, ये बड़ी हैरानी की बात है कि बंटवारे के बाद से अब तक पाकिस्तान में एक भी ऐसा पीएम नहीं बना जिसने 5 साल तक गद्दी संभाली हो, क्योंकि या तो वो सरकार का तख्ता पलट हो जाता है या फिर पीएम की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इन्हीं सब वजहों से पाकिस्तान डेवलपमेंट की जगह पर अपनी पॉलिटिकल क्राइसिस में ही उलझकर रह गई और आज इसकी हालत इतनी खराब है कि लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं। आज पाकिस्तान भी श्रीलंका जैसी बर्बादी के रास्ते पर है, जहां जल्दी अगर कुछ बड़े फैसले नहीं लिए गए तो यह देश भी भुखमरी का शिकार हो जाएगी। लेकिन फैसला लेगा कौन? वहां की गवर्नमेंट जो लोगों की सुनने को तैयार नहीं है, या फिर आर्मी जो सरकार के साथ साथ पूरे देश को अपने इशारों पर नचा रही है? पाकिस्तान आखिर इस तबाही पर कैसे खड़ा हुआ? आइए जरा गहराई से जानते हैं। आटा सस्ता था तो मार्केट से गायब था, जब आटा महंगा हुआ तो राजा राज ये करोड़ों के चक्कर में जन्म में घर बना रहे हैं। पीपल इन पाकिस्तान सिंध फाइटिंग एंड क्राइंग ओवर अ सब्सिडाइज्ड बैग ऑफ फ्लावर क्लियरली हैज बीन अ ग्रिम स्पेक्टेकल। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये देश ऊपर वाले के भरोसे चलता है, एंड वहाँ के अनस्टेबल गवर्नमेंट और देश के लंबे टाइम से चल रहे तनाव से यह स्टेटमेंट काफी हद तक सच भी लगता है, क्योंकि सेपरेशन के इतने साल बाद भी कोई देश अपना पीएम ढूंढने में लगा है तो देश में क्राइसिस तो आएंगे ही। हर बार पॉलिटिकल ड्रामा होने के बाद देश को पीएम तो मिल जाता है, लेकिन 5 साल का टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही उसका तख्ता पलट हो जाता है। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लिकायत अली खान की बात करें तो वो 4 साल 2 महीने तक पीएम के पोस्ट पर रहे थे, क्योंकि 1951 में रावलपिंडी के कंपनी बाग में एक स्पीच के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस शूटआउट में कहा जाता है कि पीएम लिकायत अली खान पर शहीद अकबर नाम के एक शख्स ने गोली चलाई थी, जिसे एक पुलिस वाले ने वहीं ढेर कर दिया था। हालांकि इस बात का अब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल पाया है और ना ही ये गुत्थी अब तक सुलझ पाई। लिकायत अली खान के मर्डर के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन को पाकिस्तान का पीएम बनाया गया, जो उस समय वहां के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन 2 साल बाद उनसे भी गद्दी छीन ली गई। फिर उनके बाद प्राइम मिनिस्टर की सीट मोहम्मद अली बोगरा ने संभाली, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें भी सिर्फ 2 साल में ही कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद चौधरी मोहम्मद अली प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उनकी खुद की ही पार्टी मुस्लिम लीग ने उनके अगेंस्ट हो गई और उन्होंने 1 साल के अंदर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद हुसैन सैयद सुहरावर्दी ने मुस्लिम लीग से हाथ मिलाकर पीएम गद्दी पर बैठे, लेकिन हुसैन सैयद की भी इस पार्टी से नहीं बनी। उस टाइम के प्रेसिडेंट सिकंदर अली मिर्जा से उनके मतभेद हो गए, जिस वजह से उन्हें अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जितने भी नेता प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे वो 5 साल से ज्यादा नहीं टिक पाए। कभी किसी का तख्ता पलट हो गया तो कभी उन्हें डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से खुद ही इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, 1973 में पाकिस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसी साल 14 अगस्त को जुल्फिकार अली भट्टो पाकिस्तान के पीएम बने। उन्होंने अपने टाइम में इकोनॉमिक रिकवरी और देश के लिए कई बड़े फैसले लिए, लेकिन 1977 आते आते उनकी पाकिस्तानी सेना के साथ ना जाने क्यों खटपट हो गई। इस वजह से आर्मी ने उनका तख्ता पलट कर दिया, लेकिन बात सिर्फ तख्ता पलट तक ही नहीं रुकी, बल्कि उस समय के जनरल जिया उल्लक ने भट्टो को जेल में डालकर उन पर मार्शल लॉ लगा दिया। मिस्टर भट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भट्टो को मर्डर के केस में फांसी पर चढ़ा दिया। इस तरह के मर्डर, तख्ता पलट और करप्शन ने पाकिस्तान को कभी भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं बनने दिया और अंदर ही अंदर उसे खोखला करता गया। दोस्तों, नवाज शरीफ के करप्शन की कहानी तो आपने सुनी होगी। एक्चुअली 2013 के इलेक्शन में तीसरी बार नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बने और यह एक लौते ऐसे नेता थे जो पाकिस्तान में 3 बार लगातार पीएम बने। लेकिन उनकी मुश्किलें तब बढ़ी जब पनामा पेपर लीक में उनका नाम सामने आया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ पर आजीवन किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठने से बैन लगा दिया, एंड जुलाई 2018 में उन्हें इनकम से ज्यादा एसेट रखने का गिल्टी माना गया और इस जुर्म में उन्हें 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन नवंबर 2019 में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट से इलाज के लिए एब्रोड जाने की परमिशन मांगी। अब हाईकोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते के लिए परमिशन तो दे दी, लेकिन 3 साल से ज्यादा वक्त बीत गया लेकिन आज तक नवाज शरीफ घर नहीं लौटे और बाद में उन्हें भी भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान को नेताओं ने तो लूटा, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर ने इस देश की कमर ही तोड़ दी। दरअसल रशिया ने जब यूक्रेन के साथ मिलिट्री वॉर की अनाउंसमेंट की तो उससे एक दिन पहले पाकिस्तान के उस समय के पीएम इमरान खान वहां 2 दिन के लिए दौरे पर गए थे। अब एक तरफ जहां रशिया आर्मी यूक्रेन पर मिसाइल बरसा रही थी, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान पुतिन से मीटिंग कर रहे थे। ऐसे में काफी लोगों ने इस बात को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि पाक पीएम वार का रिबन काटने गए हैं। इससे कई देशों का पाकिस्तान से मन मोटाव शुरू हो गया। वैसे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अपने इस एक दौरे से पाकिस्तान ने कई बड़े देशों से दुश्मनी ले ली। यूक्रेन के साथ भी उनके रिश्ते खराब हो गए। हालांकि दोस्तों, इमरान खान का कहना है कि उनके जाने का डिसीजन गलत था, लेकिन इसके लिए भी आर्मी ने ही उन्हें फोर्स किया था। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि आर्मी इस देश को पूरा कंट्रोल कर रही है और गद्दी पर
बैठे नेता पावर में होते हुए भी आर्मी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान पर सीएम पद का गलत इस्तेमाल करने और गैर कानूनी तरीके से गिफ्ट सेल करने और प्रॉपर्टी जमा करने के आरोप में उन्हें 5 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया। साथ ही 5 साल से पहले वो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। अक्टूबर 2022 को लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ इमरान खान ने एक बहुत ही बड़ा मार्च शुरू किया, लेकिन इस रैली के दौरान 3 नवंबर 2022 को इमरान खान पर गोली चल गई। मतलब फिर से वही इंसिडेंट जो पिछले 70 सालों से होती आ रही है। इमरान खान की पैर में गोली लगी, 3 नेताओं को गंभीर चोट लगी और एक प्रोटेस्टर की जान चली गई। इस इंसिडेंट के बाद पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा दी। लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने करंट पीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन इस हमले के पीछे कौन था यह अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। दोस्तों, आज पाकिस्तान में इससे भी बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान का बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन रेट। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में बढ़ते सियासी वॉर के बीच महंगाई ने भी पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। ऐसे में यहाँ भी वही हाल हो सकता है जो कुछ दिन पहले श्रीलंका में हुआ था, क्योंकि एक तो यहाँ इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है एंड दूसरा और एक रिजर्व कम हो रहा है, साथ ही लोगों को पेट्रोल के बढ़ते दाम ने परेशान कर रखा है। दोस्तों, बाकी देशों की तरह पाकिस्तान भी पेट्रोल पर सब्सिडी देता है, जिसके लिए उन्हें हर साल एक बहुत बड़े लॉसेस से गुजरना पड़ता है। इन लॉसेस को कम करने के लिए उन्होंने ऑल सब्सिडी को कट डाउन करना शुरू कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि अचानक से पेट्रोल के प्राइस में उछाल आ गया। एक तो पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर ने ऑयल के दाम में आग लगा रखा था, जिसे सिर्फ 10 महीने के अंदर ऑयल का प्राइस 38% तक बढ़ गया। लेकिन जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सब्सिडी कट डाउन की तो सिर्फ 2 महीने के अंदर पेट्रोल का प्राइस 57% और बढ़ गया। वहीं पेट्रोल के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले सामानों के दाम भी बढ़ने लगे। जैसे 1 लीटर दूध की कीमत 150 रुपए, चीनी 100 रुपए के किलो, अंडे 131 रुपए, टमाटर 80 रुपए किलो। दोस्तों, इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों पर महंगाई का क्या असर पड़ रहा होगा। पाकिस्तान के फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक यानी कि अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2022 इलेक्ट्रिसिटी का रेट 57% बढ़ गया, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ा रेफरेंस एंड इसी के चलते पाकिस्तान गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम करने के लिए एक नए नियम बना रही है। जैसे बाजारों को रात 8:30 बजे तक बंद कर दिया जाए और साथ ही पाकिस्तान गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम करने के लिए सारी मीटिंग दिन में की जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट को लगता है कि इस तरह के नियमों से वो 30% तक की बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा पाकिस्तान के कई हिस्सों में आज वीट क्राइसिस आ गया है और अगर इससे जल्दी नहीं निपटा गया तो कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की लोगों की थाली से रोटी भी गायब होने लगेगी। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ रोजाना 7,08,000 किलो गेहूं की खपत होती है, लेकिन आज सिर्फ 4,20,000 किलो गेहूं की सप्लाई ही मिल पा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में आई हुई बाढ़, जिसने सिर्फ फसलों को ही नहीं बर्बाद किया बल्कि 3.3 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए, 1300 लोगों की मौत हो गई, वहीं 82 लाख एकड़ की फसलें बर्बाद हो गई और पाकिस्तान को टोटल 12 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ऐसे में पाकिस्तान के बढ़ते इन्फ्लेशन और गरीबी का जिम्मेदार अनस्टेबल गवर्नमेंट के साथ बाढ़ भी है। दोस्तों, पाकिस्तान ऐसे कई बड़े प्रॉब्लम से आज जूझ रहा है और अगर जल्दी इन प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो वो दिन अब दूर नहीं जब पाकिस्तान के पास खाली कटोरे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा और यह देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, पाकिस्तान के इस हालत का जिम्मेदार आप किन्हें मानते हैं, हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल बोल बच्चन मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।